आपको खबर तो मिल ही गई होगी कि इंडिया ने चाइनीज एप्लीकेशन जो बहुत ही पॉपुलर था वो कुछ बंद कर दिए है। तो आप उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि यहाँ पर इंडिया ने बहुत सारे एप्लीकेशन है जो चाइना के थे, इसको हमारे इंडिया ने बंद कर दिया। तो यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख सकते हो कि ऐसे सारे मैंने लिस्ट वाइज करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि चाइना के कुछ एप्लीकेशन थे जो इंडिया ने बैन कर दिए। तो इसमें बात करें तो बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशन थे जिसमें पहला नंबर का है वो टिकटॉक है, शेयरिट है, ऐसे बहुत सारे ड्यू रिकॉर्डर, ऐसे मैंने जो मैं भी काफ़ी पर्सनल यूज़ कर रहा था ऐसे एप्लीकेशन है जो बंद हो गए हैं। तो मैंने ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो मेरे फ़ोन से हटा दिए हैं। और यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहाँ से आप भी देख सकते हो कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जो अभी इंडिया में बैन हो चुके हैं। ये चाइनीज एप्लीकेशन है जो 50% है जो चाइना के है और इंडिया में बैन हो चुके हैं। ये शायद आपको प्ले स्टोर पर भी अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको ना मिले, ये सर्च बार में आपको मिलेगा ही नहीं। जो ये चाइनीज एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आप मैंने ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको वो सारे का नाम बता देता हूं जो चाइनीज एप्लीकेशन है और इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो इसका पहला नंबर में है टिकटॉक, सेरेट, केवाई, यूसी ब्राउजर, बेडू मैप, साइन, क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एम आई कम्युनिटी, सी एम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपुस ब्राउजर, रिमूव, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वीचैट, यूसी न्यूज़, क्यू क्यू मेल, वेबो, जेंडर, क्यू क्यू म्यूजिक, क्यू क्यू न्यूज़ फीड, बिगो लाइव, सेफ सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एम आई वॉइस कॉल, जोमिनी, सियोमी, वी साइंस, ईएस, फायर एक्सप्लोरर, विवा वीडियो, माई टू, विगो, न्यू वीडियो स्टेटस, ड्यू रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैचा क्लीनर, ड्यू एप स्टूडियो, ड्यू क्लीनर, ड्यू ब्राउजर, हगो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू क्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बैडू ट्रांसलेट, वी मैट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स, ड्यू प्राइवेसी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे एप्लीकेशन हैं वो इंडिया में बिल्कुल ही बैन हो चुके हैं। इसको यूज़ करना अभी इंडिया में अलाउड नहीं है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें से कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो अभी का अभी इसको डिलीट कर दो और हमें इंडिया को बिल्कुल ये सपोर्ट करना चाहिए। ये सारे एप्लीकेशन हमारा डेटा ले गए, चाइना वालों को सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना के सारे एप्लीकेशन में ये फंडा होता ही है कि हमारे डेटा को कहीं ना कहीं लीक कर देते हैं और हमको कहीं ना कहीं इससे खतरा हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसमें से कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो अभी के अभी इसको डिलीट कर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू।